तो निवेदिता परिहार आज हम क्या करेंगे टॉपिक? प्लस टू का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें 10 क्लासेस मिली हैं प्रियंका, ठीक है। 10 तारीख को ही टेस्ट है और बीच में 1, 5, 9 ऑफ है, ठीक है, जो शेड्यूल फिलहाल मेरे पास है। तो ठीक है, सफिशिएंट है, खुले खुले हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे तो ना इलेक्ट्रोस्टैट हम शुरू करते हैं सीधा कूलम लॉ का फॉर्मूला लिख के और इलेक्ट्रिक फील्ड पे चले जाते होते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करने के लिए ड्रॉपर बैचेस में, क्योंकि वो प्लस टू का ही टॉपिक होता है और बच्चों ने रिसेंटली किया होता है। पर इस बार क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि प्लस टू भी लास्ट ईयर बच्चों की ऑनलाइन ही थी और सबकी हुई भी नहीं, तो होस्ता भी किसी बच्चे का बेस हो ही ना, है ना, प्लस टू का भी बिल्कुल वीक बेस हो, तो इस करके मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया है कि बेस की वजह से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, तो मैंने पहले ना कुछ कुछ बेसिक बातें बिल्कुल बेसिक वाली कंपाइल करके रख दी है सारी, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले समझा भी देता हूँ सारी, ताकि किसी बच्चे का अगर बेस नहीं है तो उसे भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आज की क्लास में पूरी ही फंडामेंटल्स पे खर्च करूंगा, फिर कल से हम मेजर तौर पे चैप्टर शुरू करेंगे। तो आरपीएस 1 मतलब हमारी आज कवर होगी, ठीक है, और सारा कुछ मैंने आपको रिटर्न में दे दिया है, आपको बस क्या करना है उसको एक बार दोबारा पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है और क्वेश्चन कर देना, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है चीजें फंडामेंटल ही है, बस कंपाइल कर दी है ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए फंडामेंटल्स में, ठीक है जी। करें शुरू फिर बात, तो हाँ बिल्कुल, मतलब मैं उस तरह से चीजें लेके चलूंगा जैसे हम प्लस टू वाले बच्चे को फ्रॉम स्क्रैच लेके जाते हैं, पूरा बेसिक से लेके जाऊंगा। तो मे बी जिन बच्चों का बेस स्ट्रांग है आज उनके लिए कुछ नया ना हो, पर कोई बात नहीं, वो अपनी रिवीजन फील कर लें, और जिनका बेस वीक है वो पूरा चीजों को फंडामेंटल से उठा पाएंगे मेरे साथ। करें शुरू दिनेश? यस सर। चलो दिनेश, आसमान बहुत अच्छा दिख रहा है तुम्हारे यहाँ, चंडीगढ़ में लग रहे हो तुम तो, के घर चले गए? चंडीगढ़, ठीक है। हाँ वैसे अब तो चंडीगढ़ ही रुकना, अब मत जाना, क्योंकि अब तो मोहिता और 8-10 दिन में हम लोग आ ही जाएंगे ऑफलाइन। यस सर, नोटिस तो आ गया। हाँ गवर्नमेंट ने नोटिस तो दे ही दिया, तो मेरे हिसाब से और 8-10 दिन की बात है, मतलब शायद अगले टेस्ट से तो हम लोग ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है जी। सर निवेदिता ने भी आसमान दिखाया कि देखो सर हमारे यहाँ भी आसमान अच्छा है, ये सोलन का आसमान है निवेदिता, कंडा घाट कहाँ का है? सर मेरे नानी के घर का है। अच्छा कौन सा एरिया पड़ा ये? सर एक मिनट, सर थोड़ा सा नजदीक है घर के, जहाँ पे मेरा घर है वहां से थोड़ा सा, कंडा घाट वाले एरिया है ना? नहीं नहीं सर, मैं कुनिहार में रहती हूँ ना, ये डुमैर है, 6-7 किलोमीटर है पूरे। तो आप और आयुषी ठाकुर दोनों ट्रैवल काफी करते हो ना? इतनी मतलब हर क्लास अलग जगह से लेते हो आप, ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है, गुड। चलो जी करें शुरू पढ़ाई, पूजा वर्मा, ठीक है जी। निवेदिता फ्री हो तो पढ़ाई करें शुरू बेटा। यस सर, ठीक है, नानी जी को बिठा लो साथ ही, अगर पढ़ना है तो, ये तो बोलो क्लास के बाद मिलती हूँ मैं, ठीक है, अब बातें नहीं करें क्लास के दौरान, चलो आ जाओ। देखो जी सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है, डेफिनेशन, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है रूबल? यस सर। और चार्ज क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जिससे कोई बॉडी एक्सपीरियंस करती है या एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। चार्ज का सिंबल है क्यू या बड़ा क्यू, छोटा क्यू या बड़ा क्यू। प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की? पहली बात तो चार्ज स्केलर है,
फिर क्वांटाइज होता है स्नेहा, क्वांटाइज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का लेन देन है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही हो सकता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3 ऐसे, मतलब इंटीजर मल्टीपल ही होगा। फिर यूनिट चार्ज के हैं कूलम एसआई में, सीजीएस में स्टैट कूलम, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं या इसको फ्रैंकलिन बोलते हैं, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का। एक कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का ये रिश्ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चार्ज का एब्सोल्यूट कूलम है जो कि 10 कूलम होता है, और लार्जेस्ट यूनिट चार्ज का है 1 फैराडे 96,500 कूलम। आई होप ये प्रॉपर्टी पता लगी बच्चों, सारी चार्ज का बेसिक पता लग गया। सिमरन क्लियर है? ठीक है जी, अगला पेज पे चले। इसमें कुछ ज्ञान दिया आपको ताकि स्टेटमेंट समझ आए, वहां पे इंग्लिश में लिखी होती है तो बच्चों को स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती, उसके लिए ज्ञान दिया है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पर इसका चार्ज नंबर और यहाँ मास नंबर आता है, ये उसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का सिंबल ये होगा, ये इसका चार्ज और मास रहेगा। पॉजिट्रॉन का सिंबल ऐसे रहेगा जो कि एंटी पार्टिकल है। मास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का बराबर होता है, प्रोटॉन का 1836 गुना कम, इतनी वैल्यू होती है, ये याद करना है आपको डाटा सारा, ठीक है। प्रोटॉन का मास इतना होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वहां क्वेश्चन में अगर लिखा होगा अल्फा पार्टिकल इज देयर तो पता हो अल्फा पार्टिकल कहते किसे है, ये 2He4 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ड्यूट्रॉन 1H2 होता है। किसी बॉडी पे डेढ़ इलेक्ट्रॉन चार्ज संभव नहीं है, डेढ़ कूलम संभव है। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज पैदा होगा तो भी पेयर में होगा, जैसे देखो गामा का फोटोन टूटा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन गए, चार्ज गायब होगा तो भी पेयर में होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलकर दो गामा के फोटोन बन गए। जब आप किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से मास बढ़ता है थोड़ा सा, और पॉजिटिव चार्ज देते हो तो इलेक्ट्रॉन छीनते हो, मास थोड़ा सा कम हो जाता है, कितना जितना इलेक्ट्रॉन दोगे या जितना लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा। तो जब आप नेगेटिव चार्ज दोगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इसका इतना मास बढ़ जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और पॉजिटिव दे रहे हो छीन रहे हो उतना कम हो जाएगा। स्नेहा दोनों पे समझ आ गए बेटा? हाँ जी बेटा, गामा बताने एक बार। गामा रे बेटा एक फोटोन का पार्टिकल है, ठीक है, एनर्जी मतलब एनर्जी से हमने दो चार्ज पैदा करवाए पेयर में, सिंगल चार्ज एक टाइप का पैदा नहीं हो सकता है, और ऐसी डिस्ट्रॉय करे तब भी पेयर में करवाए, ठीक है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होना एनिलेशन होता है, समझाए पुत्र? यस सर। चलो तान्या भारद्वाज क्लियर है हम? यस सर। चलो चलिए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है, अगर किसी बॉडी के पास मास ना हो तो चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज आना है तो मास होना जरूरी है। फिर कहते हैं लाइक पॉइंट चार्जेस होते हैं, लाइक हो गए सिमिलर नेचर के, जैसे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो रिपेल करते हैं एंड वाइस वर्सा। उसके बाद मैंने एक बात बताई, बिंदु चार्ज में बट ठीक है आश्मी, पर अगर चार्ज बिंदु नहीं है, सफियर की फॉर्म में, जैसे ये है, ठीक है, बॉडीज है ये, तो निवेदिता परिहार ध्यान दो बेटा क्लास में, ये चार्ज एक बॉडी में बहुत ज्यादा है, ये चार्ज कम है, पर है दोनों पॉजिटिव, क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब तब है जब दूरी काफी कम हो और चार्ज एक काफी बड़ा हो दूसरे से, तो अब ये दोनों आपस में होंगे अट्रैक्ट और यहां से यहां होगी रिपल्शन, पर डोमिनेंट कौन होगा सिमरन? अट्रैक्शन, डोमिनेंट अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन। इसका मतलब है बॉडीज लाइक चार्ज होने के बावजूद क्या कर गई, अट्रैक्ट, फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है महक शर्मा? यस सर। तो यानी कि लाइक बिंदु चार्ज तो सदा रिपेल होते हैं, पर लाइक चार्ज बॉडीज जो है वो अट्रैक्ट हो सकती है बाय इंडक्शन। जसलीन गल समझा गई? सर Q2 पे भी पूरे पे पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि हमने बोला लाइट है। नहीं देखो आप मेरी बात ध्यान दो, पूरे पे पॉजिटिव नहीं आएगा मेरे पुत्र, क्योंकि
लाइक होने का मतलब देखो मैं नेगेटिव कितने बनाए हैं, एक दो तीन चार, हाँ जी, पॉजिटिव कितने बनाए हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो नेट चार्ज तो पॉजिटिव ही आ रहा है, हाँ जी, पर इसके इलेक्ट्रॉन्स तो इसने इधर खींच लिए ना क्यू वन ने, हाँ जी ठीक है, तो पूरे पर नहीं ना आएगा पॉजिटिव, ओके चलो आगे बढ़ू, यस सर। नेक्स्ट है रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ बीइंग चार्ज्ड, ठीक है, कि दो बॉडीज अगर रिपेल हो रही है तभी आप गारंटी लेना कि दोनों चार्ज है, वरना न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है बाय इंडक्शन। आप याद करो वो आप सर पे एक स्केल रगड़ते थे और उसके बाद स्केल पे चार्ज आ जाता था, फिर आप कॉपी के पेज ऐसे पास रखते थे और वो बाय इंडक्शन उनको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, तो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है, पर अगर कोई रिपेल हो रहा है तो ही मानना कि वो चार्ज्ड है, पता लगा जी। नेक्स्ट, चार्ज डजंट वेरी विद स्पीड, जबकि मास स्पीड से बदलता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आइंस्टाइन का रिश्ता है ना मास वाला, ये बदलता है। फिर चार्जिंग के मेथड क्या है, पहला मेथड है जी कंडक्शन, उसमें क्या होता है जैसे आपने ये बॉडी ली चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल, ये तार बंद कर दी, चार्ज यहां से जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल मैच नहीं होता। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर कहां से अभी के लिए लाओगे, वैसे तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए ऐसा समझो अश्विन, ग्रेविटेशन से मैंने कहा था चैप्टर मैचिंग है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता था, माइनस जी एम बाय आर, याद है बच्चों, ये चैप्टर काफी मैच करेगा ग्रेविटेशन से, तो माइनस की जगह प्लस क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, जी की जगह के, एम की जगह क्यू बाय आर। तो भैया पोटेंशियल जब तक मैच नहीं होता इनका फाइनली, तब तक चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि फाइनल चार्ज की रेशियो रेडियस पे मैटर करेगी पहली बार। दूसरा, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है चार्ज कंजर्व रहना है, यानी कि जितना चार्ज इनिशियल है उतना फाइनल होना चाहिए, तो ये दो इक्वेशन लिख के सॉल्व करके आंसर आ जाता है। मैं स्नेहा न्यूमेरिकल कर दिखाऊं तुम्हारे लिए, देखो ऐसे करते हैं स्नेहा, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक स्फीयर है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, 30 कूलम चार्ज है, दूसरा स्फीयर है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, अनचार्ज है, हमने ये तार जोड़ दी, भैया एक तो ऐसा है इस पर जो फाइनल चार्ज आएंगे वो रेडियस पे डिपेंड करेंगे, क्या ये बात पता लगी अनन्या शर्मा? Yes, sir. दूसरा, जितना चार्ज इनिशियल है उतना फाइनल भी होना चाहिए, क्योंकि चार्ज ना क्रिएट होना ना डिस्ट्रॉय होना है, बोलो ओके। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका क्यू वन आ जाएगा 5 × 30/15 सॉल्व करके, तो यानी कि 10 कूलम, और क्यू टू आ जाएगा अकॉर्डिंगली 20 कूलम। लो जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन करना आया बच्चों। यस सर। तो ये वैसे फॉर्मूला भी था, पर मैं फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, मैं बेसिक से काम करता हूँ, तो मैंने बेसिक से किया ये काम, वरना ये फॉर्मूला लगाओगे डिटो आंसर वही आ जाएगा। खुशबू कल समझा गई? यस सर। तो कंडक्शन में हमें पता लगा नेचर सेम पैदा होती है चार्ज की, यानी कि जो चार्ज 30 कूलम था पॉजिटिव, इधर भी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज ही आया है, ठीक है ना रूबल? Yes, sir. अब चलते हैं अगला फिनोमिना, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है अगर आप यहाँ पर रॉड लाए क्यू नॉट की, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा, इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस क्यू नॉट, माइनस इसलिए है क्योंकि अपोजिट नेचर का होता है ये, ठीक है, तो अपोजिट नेचर से माइनस आ गया, क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 − 1/k, के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते होते हैं, मेटल का के इन्फिनिटी है, ठीक है, और अभी के लिए मेटल ही पढ़ रही है, तो अगर मेटल पढ़ रहे हैं तो 1 / ∞ 0 हो गया, यानी कि बराबर चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू नॉट। आप यहाँ प्लीज इसको पुट कर दें, तो क्यू नॉट के सामने माइनस क्यू नॉट पैदा हुआ अभी, और यहाँ पैदा कौन हुआ, प्लस क्यू नॉट। फिर यहां से आप इसको धरती से जोड़ो, धरती से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे और इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सिंपल शब्दों में हम ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज विल गो टू अर्थ, पर दिमाग में रखना ये सिंपल शब्द है, अपने आप में कभी पॉजिटिव फ्लो नहीं करता,
फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं तारों में, ठीक है, पर हम सिंपल शब्दों में कहते हैं कि पॉजिटिव गोज टू अर्थ। तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन आए, इसको पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिए और ये पॉजिटिव अब बन गया यहां पर खाली नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव अर्थ में निकल गया। फिर क्या होगा नेक्स्ट, ये रॉड ऐसे पड़ी है, यहां से कनेक्शन काट दो, कनेक्शन काट दो और इस रॉड को दूर ले जाओ। दूर ले जाने पर ये माइनस 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 आपस में क्या महसूस करेंगे, रिपल्शन, तो ये यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि चार्ज की टेंडेंसी होती है आउटर सरफेस पे रहना, मतलब अगर आप मेटल के अंदर चार्ज यहां बिठाओगे वो रिपल्शन की वजह से यही आ जाएगा, ठीक है आदित्य मेहता। और अगर अब आप इसको धरती से जोड़ देते हो इस स्टेज पे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी सारे जमीन में चले जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा सफियर, कब, अगर हमने धरती से अब जोड़ दिया। तो मैं एक बात और बोलूंगा, इंडक्शन में नेचर अपोजिट होती है और अर्थिंग पर क्या होता है, देखो ये चार्ज ने इस चार्ज को बांधा हुआ है बाउंड, पर ये वाला चार्ज फ्री है, तो अर्थिंग होने पर सारा फ्री चार्ज धरती में चला जाता है और अर्थ कंडक्टर है। इसके बारे में ज्ञान और दे रहा हूं, अर्थ कंडक्टर मानी गई है और कितना भी चार्ज हम उससे लेन देन कर सकते हैं, और पोटेंशियल अर्थ का क्या माना गया बाय अजम्पशन जीरो। क्या बात पता लगी बच्चों? यस सर। अगली बात, रबिंग से चार्ज कैसे पैदा होता है, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप स्केल सर पे रगड़ते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करो, एबोनेट की रॉड लो, सिल्क पे रगड़ो, ठीक है, तो सिल्क पे रगड़ोगे तो सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और रॉड पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या चार्जिंग बाय रबिंग। अमनदीप कौर गल समझाई? यस सर। अब मैं अमनदीप कौर दोबारा दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी जो सिखाई है, देखो पहला पेज क्लियर है अमनदीप कौर? यस सर। पेज टू देखो प्रियंका, इसको लिखना नहीं है, बस इसको फोटो लेके ऐसी पढ़ लेना, फोटो क्लिक करा दूंगा इसकी, पढ़ लेना और सीधा आरपीएस करना, राइटिंग वाला काम कल से शुरू करेंगे, सारा बेसिक्स दे रहा हूं मैं चैप्टर के। देखो जी क्लियर है पेज? यस सर। चलो पेज थ्री देखो जी, ये क्लियर है? पेज फोर देखो जी क्लियर है? देखो जस्टिन क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी चार्ज डिटेक्ट किससे करते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो क्या किया, ये दो पत्तियां ली हैं, बिल्कुल सोने से बनाई है, लाइट वेट, सोने से लाइट वेट क्यों बन सकती है, क्योंकि सोना मेलिएबल है, पीट पीट के पतली सी शीट बन जाता है, तो बिल्कुल लाइट वेट पत्तियां। अभी क्या हुआ, हम चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे, हम रॉड यहां पर लाए, ठीक है, हमें नहीं पता भी रॉड पे चार्ज है कि नहीं है, पर अगर चार्ज होगा तो यहां भी चार्ज उससे अपोजिट पैदा होगा, मतलब अगर आप क्यू नॉट लाए तो यहाँ पैदा माइनस क्यू नॉट होगा और बदले में यहाँ पैदा क्या होगा प्लस क्यू नॉट, तो ये पत्तियां फैल जाएंगी, लाइक चार्ज होगा ना रिपेल करेंगी, फैल जाएंगी पत्तियां, ज्यादा से ज्यादा फैल सके इसीलिए लाइट वेट बनाई जाती है, ताकि एमजी तंग ना करे इनका, ठीक है ना। तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगी तो पूरा 180 डिग्री एंगल बन जाएगा, पर गोल्ड का एंगल काफी बड़ा बन जाता है, मान लो 150 डिग्री 160 डिग्री इतना बड़ा एंगल पूजा आ जाता है इनका, क्योंकि गोल्ड लाइट वेट होता है ना, मैंने बोला कि उसको पीट पीट के बिल्कुल हल्का बना लेते हैं, तो इस करके गोल्ड का एंगल काफी बड़ा आता है और इसीलिए गोल्ड यूज करते हैं, राइट। अब चार्ज का प्रेजेंस डिटेक्ट हुआ इससे महक शर्मा, अब अगर हम चाहते हैं चार्ज का नेचर डिटेक्ट करना,
नेचर के लिए क्या करेंगे हम, गोल्ड इफ इलेक्ट्रोस्कोप ना पहले से चार्ज दे के रखेंगे। जैसे मान लो या तो पॉजिटिव दे दिया तो ये कहलाएगा पगली, पगली हो गया पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड इफ इलेक्ट्रोस्कोप, और अगर पहले से नेगेटिव चार्ज दे दिया तो कहलाएगा नगली, नेगेटिवली चार्ज गोल्ड इफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब मानो ये पॉजिटिव है पहले से, और मैं रॉड पास लाया और लीव्स फैल गई, मुझे नहीं पता रॉड पे क्या चार्ज है, मेरे को तो बस ये पता लगा रॉड पास आई लीव्स फैल गई, तो मैं क्या सोचूंगा अगर लीव्स फैल गई हैं तो यहाँ पर मोर पॉजिटिव बना होगा चार्ज, अगर यहाँ मोर पॉजिटिव तो यहाँ पैदा क्या हुआ होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, तो रॉड पे क्या रहा होगा पॉजिटिव, पता लग गया ना, पॉजिटिव। ऐसी सोचो अगर ये नगली है और लीव्स कन्वर्ज हुई है, और सोचें रॉड का चार्ज क्या है, लीव कन्वर्ज, पहले से लीव पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, कन्वर्जन का मतलब पास ही है लीव, तो जशन पास होने का मतलब नेगेटिव लेस हो गया बेटे, नेगेटिव लेस हो गया मतलब क्या पैदा हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हुआ तो ऊपर नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब यानी कि रॉड पे चार्ज क्या रहा होगा, पॉजिटिव, पता लगा। ऐसे ही अगर हम एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे एक्सरेज डाले, ठीक है, तो दो केस होंगे क्या क्या, अगर तो एयर प्रेजेंट है तो भैया उस केस में एयर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटेगी, और जो भी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे है उससे उल्टा चार्ज एयर का इस पे चिपक जाएगा जाके, तो लीव्स क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल, तो लीव्स कोलैप्स कर जाएंगी। अमन गा समझ आई सर, दोबारा बता देंगे करना है। बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो दोबारा सुनो, मैंने कहा बेटे एक्सरेज डाली और अगर एयर मौजूद है, एयर क्या होगी एक्सरे से बच्चे, आयोनाइज, ठीक है, आयोनाइज होना समझते हैं, यस सर, एयर पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगी, तो जो भी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे है उससे उल्टा चार्ज एयर वाला इस पे जाके चिपक जाएगा, यस सर, जब चिपक जाएगा तो लीव्स न्यूट्रल हो जाएंगी बेटे, लीव्स न्यूट्रल होगी तो कोलैप्स कर जाएंगी, पता लगा बच्चे, यस यस सर। इसका मतलब चार्ज चाहे पगली हो चाहे नगली हो, अगर एयर प्रेजेंट है तो एक्सरेज उसको क्या करेंगी, एयर को आयनाइज करेंगी और इसको इलेक्ट्रोस्कोप में न्यूट्रलाइज कर देंगी और लीव्स कोलैप्स हो जाएंगी। क्या महक शर्मा हमें बात समझ आ गई, यस सर। अब चलते हैं, अगर वैक्यूम हो तो क्या होगा, तो दो केस होंगे, एक मिनट इसको जान लें, तो भाई लो जी, अब मैं ले रहा हूं अगर वैक्यूम है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, एक्सरेज जब आएंगी यहां से और ये चार्ज पॉजिटिव है तो एक्सरेज करेंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर इलेक्ट्रॉन चले गए और ये पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव बन गया ये, यस सर, ठीक है स्नेहा, यस सर, तो इसका मतलब लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगी ना, और अगर ये नेगेटिव है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिविटी लेस हो गई, नेगेटिविटी लेस होने का मतलब लीव्स कन्वर्ज हो जाएंगी। देखो जी मैं फिर से रुकता हूँ, ये पेज पे देखोगे डाउट है सर, कन्वर्ज में और कोलैप्स में क्या फर्क हो जाएगा, कन्वर्ज का मतलब हो गया मेरे पुत्र एंगल यहां से ये एंगल आना, ठीक है, ओके, और कोलैप्स हो गया कि बस यूं हो जाना, ठीक है सर, मतलब एंगल कम दोनों में हुआ है पर कोलैप्स में एंगल खत्म हो गया, हाँ जी ओके। और देखें जी कोई डाउट मन में, आयुषी ठाकुर, नो सर, आर्यन शर्मा, नहीं सर, ठीक है जी, पलक अग्रवाल ओके है मामला, चलूं मैं आगे, ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पेज देखें, नेक्स्ट पेज है कूलम लॉ, ये डिटो वही चलेगा जो ग्रेविटेशन में हमारा न्यूटन लॉ था,
बस वहां पर रिपल्शन वर्ड नहीं था, यहाँ पर आता है फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आता है। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वहां पर दो पॉइंट मासेस था, और मैंने वहां भी कहा था, यहाँ भी कहूंगा, स्फेरिकल बॉडी के लिए अलाउड है लॉ लगाना फॉर आउटसाइड पॉइंट। वहां भी ये कहा था कि न्यूटन लॉ या तो बिंदु मासिस पे और या स्फेरिकल बॉडी के लिए, तो यहाँ भी यही है, स्फेरिकल बॉडी के लिए या बिंदु चार्जेस के लिए। तो फोर्स डिपेंड करती है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पे। इक्वालिटी के लिए कांस्टेंट K लग गया है, CGS में K1 होता है, SI में K की वैल्यू ये है जिसको आप ये लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट कौन है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जिसकी वैल्यू ये होती है, और एप्सिलॉन कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो होता है एप्सिलॉन आर, यानी कि के दो सिंबल है और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है ये। जैसे माइका की बात करें तो 6 होता है, मेटल के लिए बात करें इन्फिनिटी होता है, और पानी के लिए बात करें तो 81। ये के यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का नाम है, पता लगा बच्चों? यस सर। ठीक है, अब आपको जब सारे ज्ञान मिल गया तो इसमें कुछ नोट्स आएंगे, जैसे हमारे न्यूटन लॉ के बाद आए थे। कौन कौन से? पहला, ये ओबे करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि नेट फोर्स सबकी फोर्स का क्या होगी, वेक्टर सम। ठीक है तान्या? यस सर। उसके बाद मैंने वहां भी कहा था, यहाँ भी सेम है, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। जैसे मान लो दो चार्जेस है Q1 Q2 r दूरी पे पड़े हैं, तो इनके बीच में फोर्स ये आ रही है वैक्यूम में 1/4 πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। आप इन दोनों चार्जेस को पानी में फेंक दो, तब भी इनके बीच में फोर्स सेम ही रहेगी, Q1 Q2 के जो फोर्स आएगी वो 81 न्यूटन ही आएगी। ठीक है, तो वो भी मीडियम डिपेंड नहीं करती, फिर ये भी मीडियम डिपेंड नहीं करती। एक फर्क है कि इसमें क्या होता है, जब आप मीडियम में डालते हो ना, तो मीडियम के अंदर भी इंडक्शन होती है, और इंडक्शन होगी तो मीडियम भी आयोनाइज होगा। तो आयोनाइज होने से क्या होता है, Q1 में नेट फोर्स बदल जाती है, क्योंकि अब फोर्स दो लोग लगाते हैं, Q2 लगाता है, एक मीडियम लगाता है। तो नेट फोर्स के लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं, जो वैक्यूम का फॉर्मूला था उसी को बाय के कर देते हैं। के कौन है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैक्यूम बाय के, पानी का K81 है, हमने अभी जाना था यहाँ, ये रहा, तो ये पानी में फेंका मैंने, तो 81 से डिवाइड करो, 1 न्यूटन फोर्स आ गई। फिर सुन लो, ध्यान से सुन लो, दो चार्ज में फोर्स मीडियम डिपेंड नहीं करती, यानी कि अगर ये फोर्स 81 न्यूटन थी तो 81 न्यूटन है, 81 न्यूटन रहेगी। हाँ, नेट फोर्स इस पे अब बदलेगी, क्यों? पहले खाली लगाता था Q1 या Q2, अब एक्स्ट्रा वन लगा रहा है, पानी भी लगा रहा है, तो नेट फोर्स 1 न्यूटन हो गई। उम्मीद है पता लगा। अश्विनी कुमार, यस सर। अगला ज्ञान, ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है फोर्स। उसका मतलब क्या है कि भैया जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतनी फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाता है, बस डायरेक्शन अपोजिट है ना। और अब अगर आप दो चार्जेस लो, उनके बीच में आप मीडियम रखो, पर थोड़ा रखो, पूरा मत रखो। जैसे मान लो चार्जेस है 1 मीटर की दूरी पे, आपने बीच में मीडियम रखा 20 सेंटीमीटर का, तो फुली फिल मीडियम नहीं है बीच में। तो नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं, कैसे स्मार्टली निकालनी है। पहले वैक्यूम की फोर्स लिखो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस आर का नाम आर डैश कर दो, और आर डैश का फॉर्मूला होता है आर माइनस टी प्लस टी रूट के। टी कौन है? थिकनेस। तो जैसे अगर टी और थिकनेस बराबर हो, यानी कि मीडियम फुली फिल हो, तो यही वाला न्यूमेरिकल आ गया पिक्चर में। आप क्या करेंगे, आप आर और टी बराबर कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा आर रूट के, स्केयर करोगे आर स्केयर के, देखो आ गया ना फोर्स इन वैक्यूम बाय के। तो नेट फोर्स निकालने का एक स्मार्ट वे होता है, अगर फुली फिल हो तो भी, पार्शियल फिल है तो ये करना है आर डैश को। देखो अमनप्रीत कौर, क्या आपको पता लगा? सर ये फोर्थ पॉइंट में पार्शियल फील्ड ये बताना था एक बार। पक्का बता देंगे बेटे, जितनी मर्जी बार पूछो। देखो ये Q1 Q2 है बच्चे, ये दूरी 1 मीटर है, ठीक है। अगर इसमें आपने मीडियम डाला 20 सेंटीमीटर बेटे, तो नेट फोर्स Q1 पे अगर दोबारा निकालनी पड़े आपको, तो स्मार्ट वे दिया है। पहली बात तो सुनो, Q1 पे फोर्स नहीं बदलेगी, नेट बदलेगी, क्योंकि अब दो लोग फोर्स लगाएंगे, Q2 भी लगाएगा और मीडियम भी लगाएगा। पता लगा? यस सर।
अब Q1 पे नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने बोला जो वैक्यूम का फॉर्मूला वही लिख दो, पर R का नाम R डैश कर दो और R डैश इस फॉर्मूला से ले आओ, ठीक है? यस सर। और अगर फुली फिल मीडियम होता तो मैंने तो सिखाई दिया था पहले बाय क्यों जाता है, प्रूव कर इससे आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। देखो अगर है तो ये नंबर कट जाएंगे और यहाँ पर आर रूट क्या आएगा, स्केयर करोगे आप आर डैश का स्केयर, आर डैश ही आ गया ना आर रूट के, स्केयर करो आर स्केयर बाय के, ये फोर्स इन वैक्यूम है बाय के, आ गया आंसर। यस सर। फिर देखो कोई डाउट है तो आर डैश एक्चुअली में है क्या? आर डैश बेटे आपको जो वैक्यूम का फॉर्मूला है ना, पहले देखो न्यूटन लॉ क्या कहता है हमारा, कूलम लॉ, वो कहता है के Q1 Q2 बाय आर स्केयर करना होता है। पर मीडियम वो मैंने कहा आर की जगह नाम आर डैश रखना है बस आपने, तो इफेक्टिव डिस्टेंस गिनते हैं इसको, वो होता है टू डिस्टेंस माइनस थिकनेस प्लस टी रूट के, ठीक है? हाँ जी सर। देखो जी अभी भी डाउट है प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी बार पूछ लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आरपीएस करते हुए उसको धक्का मत मारना, टेस्ट में धक्का मत मारना, अभी नहीं समझ आया फिर पूछ लो, हमें कोई जल्दी नहीं आगे जाने की। जो थर्ड पॉइंट है न्यूटन थर्ड लॉ वाला, इस ये हम वैक्यूम ही लगाएंगे ना, मतलब कहीं भी लगा दो मेरे बच्चे। देखो ये 10 कूलम्ब है, ये 20 कूलम्ब है, 10 कूलम्ब ने 20 कूलम्ब को धक्का दिया उधर, मान फोर्स के 10 20 बाय जो भी दूरी आर स्क्वायर इधर धक्का दिया, अब 20 कूलम्ब 10 कूलम्ब को उधर धक्का देगा, के 10 20 बाय आर से फर्क किसका, सिर्फ डायरेक्शन का। ये गलत पता लगी जी। और अगर सर इसमें मीडियम हो तो उसके भी काउंट कर लेंगे ना? हाँ वो तो नेट फोर्स बदल जाएगी ना, पर इन दोनों के बीच की फोर्स तो सेम ही रहेगी तब भी। हाँ जी वो तो सेम रहेगी क्योंकि वो मीडियम डिपेंड नहीं करती। यस। और बताएं, फिर दिखा देता हूं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया पेज 1 फिर से देख लो, क्लियर है बच्चों? यस सर। तू देखो सरी, देखो और देखो, फाइव देखो सर। इसमें सर नगली फिर से समझाना। देखो जी नगली हो गया अगर आपने इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है? अब आप रॉड लाए पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव वाली यहाँ पर क्या पैदा करेगी? नेगेटिव। और अंदर क्या पैदा करेगी? पॉजिटिव। पर अंदर पहले से क्या था? नेगेटिव, है ना? तो जब कुछ पॉजिटिव पैदा होगा वो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव को कम कर देगा, तो लीव्स पास आ जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है? हाँ जी। ये पेज देखो जी, सृष्टि शर्मा क्लियर है? यस सर। लो जी पेज 7 देखो जी, डन है बच्चों? चलो पेज 8 पे चले। पेज 8 कहता है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ये भी मैंने आपको ग्रेविटेशन में लिख के दिखाया था, जस्ट दोबारा दिखा रहा हूं। देखो ये दो चार्ज ले लिए, दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं हम विशाली, तो Q1 Q2 को ऐसे धक्का देगा, ये दूरी R2 माइनस R1, R21 कहलाएगी ये वाली दूरी, ठीक है? तो फोर्स बनेगी Q2 पर के Q1 Q2 बाय बीच की दूरी का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R2 कैप। अब आपको पता है R2 कैप को हम क्या लिखेंगे? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना बच्चों? तो
ऑल्दो मैंने आपको ग्रेविटेशन में भी कहा था कि मैं ऐसे लिखना पसंद नहीं करता क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है फोर्स डिस्टेंस के क्यूब पे मैटर कर रही है, जबकि फोर्स डिस्टेंस के कहां मैटर करती है, स्केयर पे, तो फोर्स इनवर्स स्केयर लॉ ऑबे करती है। अच्छा, इस फॉर्मूला में अगर आप चार्ज को डालोगे तो विद साइन डालना पड़ता है, तो क्यू वन क्यू टू क्या रहेंगे, नेगेटिव, अगर मतलब एक का प्लस एक का माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो फोर्स अट्रैक्टिव है, और अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या, रिपल्सिव। ऑल्दो मैं वेक्टर मेथड में कभी क्वेश्चन कराना पसंद ही नहीं करता क्योंकि वेक्टर में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, तो समझदारी क्या है, इसको स्केलर मेथड से करते हैं। आओ यहां सीखे हम, हमें किसी ने कहा ऊपर न्यूमेरिकल दिया है ये वाला, इस न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, किसी ने कहा बताओ फोर्स ऑन 3 न्यूटन बताओ ड्यू टू -2 कूलम। अब देखो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले जिस पे फोर्स देखनी है ना वहां जाके खुद बैठ जाओ, तुम्हें स्मार्ट वे सिखा रहा हूँ, किस पे देखनी है फोर्स बोलो, 3 कूलम पे बैठ जाओ, 3 कूलम पे बैठ जाओ, बैठ गए, तुम्हें 2 कूलम की वजह से किधर को फोर्स महसूस हो रही है अश्मी, तुम कहाँ बैठी हो अश्मी चौहान, 3C पर बैठ के तुम्हें 3C की तरफ फोर्स कैसे महसूस हो सकती है, तुम्हारा तो नाम अपने 3C हो गया है, पर अपनी तरफ महसूस हो रही है, हे राम, ये अपनी दुनिया में खोई है लड़की और हम इसे फिजिक्स सिखाना चाह रहे हैं। चलो पुष्पेंद्र ने हैंड रेज किया है, पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र कुमार हम कहाँ बैठे हैं पहले बताओ, 3C पे सर, हाँ तो हमारा नाम 3C है ना पुष्पेंद्र कुमार, यस सर, अब हम जब 3C पर बैठे हैं तो हम फोर्स किसकी वजह से महसूस करेंगे, 2C की वजह से सर, बिल्कुल, तो 2C हमें किधर को फोर्स देगा, ऊपर की तरफ को, अपनी तरफ को सर, ऊपर अपनी तरफ कैसे हुआ, तुम्हारा नहीं सर ऊपर की तरफ को देगा, मतलब ऐसे फोर्स देगा -2 कूलम है 3 कूलम को, यस सर, ये किधर को हुई, मतलब ये क्या हुआ, इनको अट्रैक्शन हुई है, रिपल्शन की वॉमिटिंग हुई है इनको, अट्रैक्शन हुई है सर, लेफ्ट साइड अट्रैक्शन हुई है, अच्छा 3 कूलम को अट्रैक्शन, 2 कूलम की तरफ जाना हो तो ये बनता रास्ता है, समझ नहीं पाया मैं पुष्पेंद्र कुमार का ये गणित, दो अपनी तरफ करेगा, 2C की तरफ जाएगा, 2C कहाँ है पुष्पेंद्र सिंह, ऊपर है सर कॉर्नर, ऊपर है, नहीं तुम्हारी स्क्रीन कैसे पड़ी है, सीधी पड़ी है सर, इस ड्राइंग के, ये ड्राइंग लेफ्ट में है कि ऊपर है सर, आप ये वाला पूछ रहे कि ये वाला, नहीं ये ड्राइंग के लेफ्ट में ड्राइंग आती है या ये ड्राइंग के ऊपर ये ड्राइंग आती है, सर अगर आप राइट वाली के बारे में पूछ रहे हैं ना सर, तो फिर अट्रैक्शन यूं होगा, और अगर ये वाली है तो सर फिर यूं होगा ऊपर को, तुम्हें अट्रैक्शन ऊपर काफी हो रही है, ऊपर के फ्लोर पे कौन रहता है पुष्पेंद्र, कोई नहीं रहता है सर, बेटे ऊपर के फ्लोर पे कोई तो है जो तुम्हें अट्रैक्शन ऊपर महसूस हो रही है बार बार, नहीं सर कोई नहीं है, दिनेश पुष्पेंद्र कुमार का स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा के लाओ, ठीक है, यस सर, भाई पुष्पेंद्र कुमार 3 कूलम ये पड़ा है, ये -2 कूलम है, ठीक है, ये इसके लेफ्ट में पड़ा, ऊपर नहीं है भाई, ठीक है, तो अगर 3 कूलम ने -2 कूलम, तुम 3 कूलम बन के वहां बैठ गए, यस सर, -2 कूलम लेफ्ट में है ना, देख पा रहे हो, यस सर, ऊपर तो नहीं है, नो सर, तो 3 कूलम को -3 कूलम बन गए तुम, -2 तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा लेफ्ट, ये इधर को फोर्स आएगी, लेफ्ट कहते हैं इसको, ऊपर नहीं आएगा ये, पता लगा, यस सर, चलो तो भैया
फोर्स कितनी होगी, इसमें साइन नहीं पुट करना, वेक्टर फॉर्म में साइन पुट करना पड़ता था, यहां साइन नहीं पुट करना, यहां सीधा वैल्यू डालनी है, तीन दो दूरी आर स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी लेफ्ट। देखो पता लगा पुष्पेंद्र कुमार? यस सर। निवेदिता परिहार, माइनस दो कूलम पर बताओ फोर्स ड्यू टू तीन कूलम। सर राइट साइड को। अब हम क्या बन जाएंगे? टू माइनस टू सी। हाँ वहां जाके हम बैठ जाएंगे, तो हमें तीन कूलम से महसूस करना है, अपनी तरफ तीन कूलम खींचेगा, हमें अपनी तरफ माने तीन की तरफ खींचेगा। अश्मी चौहान पता लग रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? यस सर। ये राइट में आएगी फोर्स, उम्मीद है फोर्स की डायरेक्शन देखनी आई बच्चों? यस सर। चलो अब अगला ज्ञान, अगर हमें क्वेश्चन दिया ये तीन चार्जेस दिए और कहा गया तीन कूलम पे नेट फोर्स बताओ, तो अब लगेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबकी अपनी अपनी फोर्स पहले लेंगे, तो तीन कूलम बन के बैठ जाओ, बैठ गए इसमें चौहान? यस सर। क्यू1 से कहां फोर्स महसूस होगी? टुवर्ड्स क्यू1। ओ तेरे की अश्मी चौहान, क्यू1 का चार्ज बोलो? टू कूलम। तुम कहां बैठी हो? थ्री कूलम। थ्री कूलम, दोनों लाइक है अनलाइक है? लाइक है। तो तुम्हें दो कूलम खींचेगा के धक्का देगा? रिपेल करेगा। रिपेल तो इधर को होगा ना? यस सर। तुमने पहले गलत बोला ना? यस सर। चलो क्यू2 की फोर्स बताओ पलक अग्रवाल। क्यू2 सर ऑपोजिट कौन है भैया? सर ऐसे इधर लगेगी। किधर? इधर सर, इधर। इधर किधर? सर जिधर सर आपने सेकंड डायग्राम बनाई है, जिधर फर्स्ट क्वेश्चन किया सर। इधर बना दें है पलक अग्रवाल? यस। ठीक है, Q3 की इधर को आ जाएगी, उम्मीद है पता लगा बच्चों? यस सर। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लंबा रास्ता है। स्मार्ट वे पता है क्या है? ये एक और इस दो को भी तोड़ के लिख लो एक और एक, तो इस एक 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 की फोर्स कैंसिल हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब n इक्वल वैल्यू के वेक्टर्स हो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है, याद है? यस सर। यस सर। तो दैट मींस फोर्स खाली इसकी बचेगी K3 1/r² और r कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको काफी बार सिखाया हुआ सेंटर ऑफ मास रोटेशन में कि 2/3 ऑफ √3/2 इनटू साइड, याद होगा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो स्मार्टली कैसे किया इसको सिमरन पता लगा? यस सर। चलो देखो जी साक्षी चौधरी क्लियर है हम? यस सर। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखो जी, एक चार्ज के आसपास का वो इलाका जहां तक उसकी फोर्स महसूस होती है, सेम बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखी अब दोबारा क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड मैंने आपको लिखाया हुआ है, तो वही चीज थी, वो मास के आसपास का इलाका था, चार्ज के आसपास का इलाका है जहां तक फोर्स महसूस होती है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वहां टेस्ट मास होता था, टेस्ट चार्ज है 1 कूलम का, तो वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंबल ई, फोर्स बाय चार्ज किया, ये फॉर्मूला आ गया K³/r² × r कैप ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो ये बना क्या K³/r² यानी कि फोर्स बाय चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई बन जाएगा, उधर एम ई था। अच्छा अगला ज्ञान,
अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा, अभी मैं डायरेक्शन यही सिखा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा। यूनिट्स क्या होंगे फील्ड के, क्योंकि फोर्स बाय चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम, बाकी इसका एक यूनिट और होता है वोल्ट बाय मीटर, वो हम दो दिन बाद जानेंगे क्यों होता है, तो बस अभी के लिए मान लो दो दिन बाद जानेंगे। और यहां से एक बात और पता लगती है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगाएगा क्यू ई अलोंग द फील्ड लगाएगा, और नेगेटिव कैसे लगाएगा, अपोजिट टू द फील्ड, मतलब माइनस क्यू ई। देखो जी ज्ञान सारा समझ आया बच्चों? यस सर। कैसे ये जो लास्ट में बताया वो बताना? पक्का बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो मेरे बच्चे ये वाला डाउट आ गया। यस सर। उत्तर ये, अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड मान ले, ये प्लस है सारे माइनस है मेरे बच्चे, ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू को फील्ड के अलोंग धक्का लगेगा। आप इस फॉर्मूला से सोचो, अगर नंबर प्लस है मेरे बच्चे तो फोर्स और फील्ड पैरेलल होंगे, देख रहे हैं? Yes, और लॉजिक से भी देखो प्लस से प्लस रिपेल हो रहा है। और अगर चार्ज नेगेटिव है या माइनस आ गया तो फोर्स और फील्ड अपोजिट वेक्टर बनेंगे, तो अपोजिट का मतलब है देखो माइनस को प्लस अपनी तरफ खींचता है देखो ऐसे, तो अपोजिट फील्ड लगेगा। पता लगा बेटे? हाँ जी सर, ठीक है। देखो जी ये न्यूमेरिकल समझ आया बच्चा ये वाला? दोनों बच्चे दोनों न्यूमेरिकल समझ आए? Yes, sir. लो जी ये देखो जी ये वाला पेज समझ आया, पेज 9। सर हाँ जी, इससे पिछले वाले पेज में ना जो न्यूमेरिकल आपने करवाया था ट्रायंगल वाला, इसमें सर अगर हम 3 कूलम पे चढ़ गए मान लो, तो फिर जो Q1 है वो ऊपर को है, तो ये फोर्स जो है ना वो ऊपर को नहीं ले सकते हम, वो रिपेल ही तो कर रहा है उसको। आप फोर्स देख किस पे रहे हो? सर 3 कूलम पे। हाँ, अगर 3 कूलम पे देखोगे तो आप अपने पे फोर्स देखोगे ना, तो आपको 2 कूलम नीचे धक्का देगा। अच्छा सर, आ गया समझ। अगर Q1 पे देखेंगे तो ऊपर वाला लेंगे। अगर Q1 पे देखनी है 3 कूलम की, तो फिर आप इधर देखोगे। ठीक है, ये ऑन 2 कूलम, ये ऑन 3 कूलम है ना? हाँ जी सर। और बताएं जी। लो जी एक बार फिर से देख लो पेज इतने, ताकि किसी तरह को डाउट ना रहे मन में। देखो जी पहला पेज क्लियर है जी। हाँ जी बच्चों, क्लैरिटी पेज 2 देखो जी, क्लैरिटी। यस सर। पेज 3 देखो जी, क्लैरिटी। Yes, sir. पेज 4 देखो जी, क्लैरिटी। सर हाँ जी बेटे, आपने माइनस का चार्ज अपोजिट साइन के लिए लगाया है, क्यों इनिशियल इज इक्वल माइनस क्यों नॉट, ये वाला बेटे? हाँ जी। आज चार्ज जिसमें अपोजिट होता है ना इलेक्शन में, प्लस के वजह से माइनस पैदा होता है बेटे। ओके सर, ठीक है। यस सर। और बताए, देखो बच्चे क्लियर है? यस सर। यस सर। पेज 5 देखें बच्चे। सर यहाँ पे भी इंडक्शन हो रही है, इसी वजह से नेगेटिव मतलब ऑपोजिट चार्ज है ना? हाँ जी बेटे। और अगर कंडक्शन होती तो हम कंडक्शन हम ना यूजली करते नहीं है बेटे इलेक्ट्रोस्कोप में, क्योंकि देखो हाँ चार्ज तो सेम होता है, पर क्यों नहीं करते बताते हो ना, आप इस रॉड को लाए चेक करने की इसके पास चार्ज है कि नहीं, तो कंडक्टर आके तो आपने चार्ज लूज कर दिया रॉड का,
यस सर। मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट करने आपको उसमें से चार्ज ही लूज हो गया तो आप हम प्रेफर नहीं करेंगे ना ऐसा काम करना। ठीक है ओके सर। हाँ जी और बताएं बेटा। तो जी ये देखें क्लियर है जी। पेज 7 देखे जी। ठीक है सर। पेज 8 देखिए जी। डन सर। पेज 9 देखें जी। सर इंडक्शन में हम दो बॉडीज को टच करवाते हैं उनके आपस में? नहीं बेटे पास में लाते हैं। ये है ना इसके पड़ोस में लाते हैं तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कंडक्शन में टच कराते हैं, इंडक्शन में टच नहीं कराते। ठीक है और बताएं बेटे। देखो जी क्लियर है सबको ये? यस सर। नेक्स्ट पेज देखिए फिर। नेक्स्ट पेज है जी एक क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पे E वेक्टर है तो Q2 पे कितना होगा? अब आप कैसे करेंगे, पहले Q1 पे पहुंच जाओ। फिर से वही क्वेश्चन दोबारा सिखा रहा हूं। पहले Q1 पे पहुंच जाओ और अपना नाम और टेस्ट चार्ज रख लो क्योंकि फील्ड में टेस्ट चार्ज होता है। तो Q1 पे Q1 कोई फोर्स नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि वो दूरी 0 है ना, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। मतलब चार्ज के ऊपर चार्ज का फील्ड डिफाइन नहीं होता। पूजा वर्मा गल समझाई? यस सर। यानी कि Q1 पे खड़े होकर सिर्फ फील्ड किसकी वजह से मिलेगा? Q2 की वजह से। Q2 बोले? Q2 Q2 की वजह से मिलेगा। तो Q2 by R square आ गया जी। अब Q2 का फील्ड किधर पे होगा? इस जगह पे जहां ग्रीन मैं मार्क कर रहा हूँ। Q2 का फील्ड किधर होगा? तो वहीं खड़े हो जाओ टेस्ट चार्ज बनके और महसूस करो कहाँ धक्का पड़ रहा है तुम्हें। राइट टू राइट तरफ होगा सर। मुझे लगता है हमें स्नेहा से पूछते हैं 34532 से। बताए इसने स्नेहा तो खो रखी है। चलो फिर पूछते हैं ये पुष्पेंद्र कुमार से। बताओ राइट होगा सर। Q2 की वजह से देखना है ना। तो मेरा नाम है टेस्ट चार्ज, मैं यहाँ Q0 बन के बैठा हूँ और Q2 क्योंकि नेगेटिव मुझे अपनी तरफ खींचेगा। यस सर अट्रैक्ट। तो राइट में आएगा। स्नेहा तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? मैं बार बार कह रहा हूँ जितना पूछना पूछ लो, ना पूछ रहे हैं ना तुम्हें आ रहा है। क्या बात है स्नेहा? सर दिया तो था राइट आंसर। आवाज़ ही क्या
अध्यापकों को आवाज आई थी स्नेहा की? नो सर। नहीं आई किसी को भी? चलो जी अब क्यू टू पर चले। क्यू टू पर जाएंगे तो भैया इस लाल वाले निशान पर आ जाएं। अपने आप को क्या मान लेना है गगनप्रीत? टेस्ट। दो ऑप्शंस, तंदूरी मुर्गा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। वेरी गुड, तुमने कर दिखाया गगनप्रीत, यू आर विनर ऑफ द टुडे। तो भैया अब अपने आप को टेस्ट चार्ज माने की क्यू नॉट माने अपने आप को मान लिए। अब कौन हमें फोर्स देगा और कौन नहीं देगा? आसमीन कौर सर क्यू वन देगा और क्यू टू नहीं देगा। क्यू वन देगा और क्यू टू देगा। अरे आश्विन पर तुम्हारा कोई क्लोन भी आश्विन ठंड के नाम से? सर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्योंकि एक बच्चा बिल्कुल तुम्हारे साथ आश्विन ठंड के नाम से क्लासेस लगाता था पहले, आज ने आश्विन कौर दिखी। मेरी थी। ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी। तो भैया आश्मीन कौर हमें बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब वैल्यू देखेंगे अगर हम फील्ड की, तो वो बनेगी के, ठीक है। क्यू वन किधर को फील्ड देगा वो हम पूछेंगे अक्षिता से। बताओ अक्षिता। सर लेफ्ट की तरफ। हाँ क्योंकि ऊपर वाला आंसर राइट हो चुका है तो नीचे लेफ्ट बोलना ही चाहिए, क्योंकि हमें फिजिक्स से कोई लेने देना नहीं, हमें लय बनानी है लाइफ में। लाइफ इज ए म्यूजिक, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, है ना। अगर ऊपर आंसर राइट था तो निचला लेफ्ट बोलना फर्ज है, तभी धुन बनेगी। चलो अब देखें क्या अंकुर फिजिक्स सीख रहा है। अंकुर 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 गायब है बच्चा, रिमूव किया जाए क्लास से। अंकुर लास्ट वार्निंग है, आप क्लास में है। अंकुर वेटिंग रूम में शिफ्ट होने वाले आप, ठीक है जी बाय। चलो हाँ जी तमन्ना। हाँ जी सर। मुझे बताएं क्यू टू पर फील्ड किधर को आएगा? लेफ्ट। हाँ क्योंकि ऊपर वाला राइट था तो ये हमें लेफ्ट देना ही था, है ना। आप भी म्यूजिक पसंद करते हैं? नहीं सर। जतिन राइट। राइट क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं इसीलिए, है ना, यही बात है। पॉजिटिव। अर्पिता। यस सर। ताई जी। तो क्योंकि अनलाइक है। अरे नहीं अर्पिता, देखो कितनी बार 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 सिखा के चल रहा हूँ, पर कुछ लोग हैं जो ना सीख रहे हैं ना ध्यान दे रहे हैं, क्या ही करूंगा मैं उनके लिए, बताओ। अक्षिता आपको लाइट जगी है? सर मैंने नेट चार्ज राइट की तरफ लिया है इसलिए पॉजिटिव का मतलब। नेट चार्ज को नहीं है ये, क्या चल रहा है अक्षिता, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। अक्षिता पहले आओ, तुम दोबारा सीखो, तुम्हें नहीं समझ आ रही है बात। ये देखो क्यू वन पर जब हम गए हमारा नाम क्या है अक्षिता? सर टेस्ट चार्ज। हाँ तो हमें क्यू वन तो साइन ही नहीं होगी, ये देखो पता लगा। तो हम टेस्ट चार्ज प्लस वन कूलम्ब है, हम क्यू टू से फोर्स क्यू टू की तरफ खींचेंगे करेंगे, ये हमने क्वेश्चन किए हैं, फोर्स किधर लगती है ये सवाल किए हैं, पता लगा दोनों सवाल। ये तो यहाँ पर जब हम देखेंगे
क्यू2 की वजह से फोर्स टुवर्ड क्यू2 आएगी जी सर, यानी कि राइट की तरफ आ गई। अब आप लाल वाले डॉट पे आके बैठ जाओ, यहाँ आपका नाम है प्लस वन कूलम, क्यू2 से नहीं मिल रही, क्यू1 आपको क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपको धक्का देगा ना दूर, नहीं देगा, देगा सर। तो बस ये भी राइट ही जाएगी, पता लगा है सर। पर Q2 तो माइनस Q/2 नहीं है, मतलब Q2 तो आपको फोर्स देगा ही नहीं, क्योंकि आपका नाम तो टेस्ट चार्ज, आप यहाँ बैठे हो लाल डॉट पे क्यू नोट बन के, तो Q2 तो आपको फोर्स ही देने वाला सर। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेना होता है। हाँ जी बेटा, ये देखो गुड मॉर्निंग, ये रहा है ना, बताया कि नहीं बताया। तो इसका मतलब टुवर्ड राइट आएगा ये, या इसको कहते हैं टू ई वेक्टर आएगा, पता लगा अक्षिता अभी के लिए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये Q1 Q2 दो चार्जेस है, कहा छोटा क्यू कहा रखे ताकि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ऐसे क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन में थे। इन बिंदुओं को याद होगा आपको मैंने कहा था नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर तो दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं तो क्यू बीच में कहीं रखना पड़ता है, यानी कि ऐसा रीजन टू में लाइक करता है अगर Q1 Q2 लाइक नेचर के हैं, और अगर अनलाइक हैं फिर रखना पड़ता है 1 में या 3 में, ठीक है, अगर अनलाइक है। पर होता है हमेशा क्लोजर टू वीकर चार्ज है, वीकर चार्ज वैल्यू में देखना है, साइन के साथ ही देखना। जैसे ये आ जाओ, क्वेश्चन है -4 कूलम -2 कूलम, इसमें पूछा गया छोटा क्यू कहाँ रखें। अब आपको पता है लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, अनलाइक, यानी कि कौन से रीजन में रखोगे, 1 में 2 में 3 में, थ्री में, क्योंकि वीकर चार्ज 2 कूलम है तो यहाँ रखना पड़ेगा क्यू, ये दूरी r मान लो। तो भैया 4 कूलम की वजह से जो फील्ड आएगा और 2 कूलम की वजह से फील्ड आएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। अमन बात पता लग रही है? यस सर। यहां से r का आंसर आ जाता है। देखो सबको पता लगा न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये वही काम चल रहा है, फिर से बोलना, जो ग्रेविटेशन में चलता था, ये सेम वही चीज चल रही है। पता लगा न्यूमेरिकल कैसे करना है? यस सर। यस सर। एक बात बस और बता दूं, फिर बाकी कल करेंगे, क्योंकि ये सारा मैंने बेसिक वाला काम कराया आज। तो मैंने ना सेंटर ऑफ मास में मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, मास बाय वॉल्यूम किए थे, सेंटर ऑफ मास टॉपिक याद है? यस सर। ये कैसे यहाँ पर चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय वॉल्यूम किए जाएंगे, ठीक है? यस। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों आ जाएंगे सेम जैसे सेंटर ऑफ मास में किए थे, या ग्रेविटेशन में भी हो रखे हैं ये, तब भी मास बाय लेंथ, मास बाय एरिया, मास बाय वॉल्यूम बात हुई हुई है। साक्षी ध्यान आता है? साक्षी कुमारी नहीं ध्यान आता? अरे सेंटर ऑफ मास में भी कराए थे भैया, ऐसे करके इसमें से मास काटा था, रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास करवाया था, कुछ ही नहीं आज जो पढ़ाया था, याद है सर? साक्षी हाँ ही नहीं कर रही है। चलो जी, आज की क्लास की फोटोज लो, page 1, done sir, 2,
थ्री डन फोर फाइव सिक्स यस सेवन एट यस सर नाइन टेन इलेवन ठीक है जी सर फोर्थ दिखाना एक बार सर टेंथ पेज ये फोर है जी ठीक है सर ये टेन है जी सर कॉपी पे कूलम लॉ से बाद वाला नोट करना ना हाँ जी कॉपी पे कूलम लॉ से बाद वाला नोट करना हाँ ठीक है सर फर्स्ट पेज दिखा